साल का इंतजार, दूसरी तरफ पूरी जिंदगी का इंतजार। जी हाँ, ये कहानी जो है ये सुनहरे हरूफों में लिखी जाएगी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मेगा फाइनल। ये फाइनल ऐसा फाइनल होगा जो भी टीम जीतेगी आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही डिजर्विंग है। एक कभी जीती नहीं है, वो भी जीते ही चले अच्छा होगा, एटलीस्ट वो जीते। क्योंकि हमेशा से लीग क्रिकेट में भी ऐसा रहा, जो टीम नहीं जीती हमेशा उसके साथ सिंपथी हमेशा लोगों की होती है। दूसरी टीम ऐसी है जिसने हर इवेंट के अंदर हर साल माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस करके दिखाई है, इसका नाम है इंडिया, जो कि जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया हुआ कि उनसे बेहतर कोई टीम है ही नहीं। मतलब कि जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट होंगे, आप एक तो चीज कंफर्म कर लेंगे, टॉप टू के अंदर इंडिया का नाम आपको नजर आएगा। एक टाइम पे ये माइटी ऑस्ट्रेलिया मानी जाती होती थी ऐसी टीम, लेकिन अब वो भारत बनकी हुई है। भारत ने मनवाया है, भारत के प्लेयर्स ने मनवाया है। मुझे डर लगता है जब एक टाइम आएगा रोहित शर्मा विराट कोहली चले जाएंगे तो क्या इस लेगेसी को आने वाले प्लेयर्स कायम रख पाएंगे, ये बड़ा बड़ा टेंशन है। लेकिन अभी तक फिलहाल जैसा कहते हैं ना, रोहित हो, कोहली हो या दूसरे बुमराह हो, ये प्लेयर्स ने इस टीम को ऐसा बनाया हुआ है और ऐसे प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं कि इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का मेगा फाइनल की मेगा प्रिडिक्शन। बहुत बड़ा फाइनल है, बहुत बड़ी जैसा कहते हैं ना प्रिडिक्शन है। पूरा का पूरा आपका साल डिपेंड करता है। 2023 का इंडिया अभी तक फाइनल भूला नहीं है, क्योंकि वो फाइनल हारे थे 2022 में भी, अच्छे खासे क्रिकेट खेल रहे थे, हार गए थे, लेकिन सारे के सारे बदले भी पूरे किए हैं। एक और मौका मिला है अपने फैंस का दिल जीतने का, इंडिया को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, क्योंकि फैंस दुखी तो हुए थे, कुछ फैंस का दिल तो टूटा था। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो फैंस दोबारा से मैदान के अंदर आए, वो कहते कि नहीं आपकी बारी, जिसको कहते हैं ना हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें ट्रॉफी लाके दो, रोहित शर्मा यही मौका है। इसके बाद बार बार मौके नहीं मिलते होते, बार बार आप फाइनल जा रहे हैं तो इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है। दूसरी तरफ वो फैंस हैं जिन्होंने कभी ट्रॉफी को देखा ही नहीं है, वो तो हमेशा जिसको कहते हैं क्लोज आके बाहर हो जाते हैं। इस दफा वो उस आखिरी जिसको कहते हैं स्टेज के ऊपर खड़े हैं, जहां से ट्रॉफी बिल्कुल आप समझे इतना दूर शामिल है, इतनी दूर ट्रॉफी है, तो यहां से उनको ट्रॉफी को पकड़ना है। तो दोनों की स्टोरीज बड़ी अच्छी है, दोनों टीमें अनबीटन है। क्या मुकाबला होगी, इसकी प्रिडिक्शन क्या होगी, ये देखते हैं। शुरुआत करते हैं प्रिडिक्शन की, अपने जैसे कहते हैं ना शमीर भाई से शुरुआत करेंगे हम, आप ही बताएं जैसे हमेशा मेरे से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन बड़ी अच्छी होती है ना। आप मेरी प्रिडिक्शन सच होती है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन सुन के उमर भाई ऐसे हो जाते हैं एक सेकंड के लिए, लेकिन फिर भी यार अनबीटन दोनों टीम यार। वैसे शमीर से प्रिडिक्शन पूछने की जरूरत है वैसे? नहीं, मैं वो एक ही अच्छा तो आप लोग बता दो। इस दफा इन्होंने कहा है कि मैं चेंज प्रिडिक्शन करने वाला हूं, शुरू होने से पहले क्या, मैं चेंज प्रिडिक्शन शुरू होने से पहले उसने कहा तो है कि इस दफा सारे शो हो जाएंगे मेरी प्रिडिक्शन। मैं नहीं मानता, मैं चेंज प्रिडिक्शन करने लगा, मैं इस दफा इंडिया की जगह भारत को पिक कर रहा हूँ, बड़ी चेंज प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो भाईजान मेरी तो ऑब्वियस प्रेडिक्शन है, पूरे वर्ल्ड कप से इस टीम को सपोर्ट करता हुआ आ रहा हूँ मैं पाकिस्तान इंडिया वाले मैच से इस टीम को सपोर्ट करता हुआ आ रहा हूँ। मेरी प्रेडिक्शन है इंडियन टीम भाईजान फाइनल, जो इतने अरसे से हम लोग इस ट्रॉफी से दूर थे, वो ट्रॉफी को फाइनली बारबाडोस के अंदर रोहित शर्मा लिफ्ट करने वाले हैं। मेरा बयान थोड़ा सा मिल रहा है भाईजान चेयरमैन साहब से, लेकिन जय शाह साहब से, लेकिन बारबाडोस के अंदर रोहित शर्मा ट्रॉफी लिफ्ट करने वाले हैं। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया फाइनल। प्रेडिक्शन में तो बात चली के साथ ही कोचेस में बात कर लेते हैं, वो बातें चल रही है बड़ी पाकिस्तानी मीडिया में, बातें चलने शुरू हुई है कि ये वर्ल्ड कप फिक्स था, पूरे के पूरे जैसा कहते हैं ना फेवर की दी गई है इंडिया को। इवन इंग्लिश मीडिया बड़ी बातें कर रहा है, टेलीग्राफ की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये कहा है कि ना अब भी अगर इंडिया फाइनल नहीं जीता, ट्रॉफी नहीं जीता, तो फिर ये ज्यादती होगी, क्योंकि सेमीफाइनल इंडिया को पता था कि इनका यहाँ पे होना है, यही किसी और को पता होता कि उनका सेमीफाइनल कहाँ पे होना है, उनको बड़ी मदद मिलनी थी। और इस सेमीफाइनल के सबको पता था ग्याना की जो पिच है स्पिनर के लिए कितनी खतरनाक होगी, तो इंडिया का सेमीफाइनल ग्याना के अंदर इसलिए रखवाया गया। बड़ी सारी खबरें आ रही है और ये कहा जा रहा है कि आईसीसी ने फुल फेवर दिया है भारत को। रिजवान भाई, क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर आपका? फजूल बकवास है, ये सारी ढकोसले हैं, ये सारी रंगबाजी है। जब दोनों टीम्स मैदान में होती है तो उनके पास स्पिनर। मैं इसका जवाब देता हूँ भाई, सिंपल सा प्लीज भाई, चले जी फिक्स था, जो दूसरी टीमों को कहा हुआ था कि आपने हारना है इंडिया से, पाकिस्तानी टीम जान के हारी है, अपनी बेइज्जती खुद करवाई है। अगर इंडिया के लिए सब कुछ करना था, बिल्कुल जी फिक्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और जो करना होता है आपने मैदान के अंदर करना होता है। एक बात है कि इंडिया को थोड़ा सा एज इसलिए हासिल था
क्योंकि न्यू अमेरिका में जो वर्ल्ड कप उनका हुआ उनके होटल थोड़ा करीब थे, थोड़ा सफर का स्ट्रेस वगैरह है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मैदान में टीम जो उतरती है उनके कोई भी हाथ पांव नहीं बांध देता कि भाई तुमने इनसे हारा है। उमर भाई मेरी ना बात, अपनी गलती से हारा है, मोइन अली को उसने ओवर नहीं दिया, बाद में मान भी रहा है कि मेरे से गलती हो कि मैं मोइन अली को ओवर था। आपने होटल की बात किया, उनका होटल करीब था, आपकी पाकिस्तानी टीम का होटल भी कनाडा वाले मैच से पहले इतना कोई दूर नहीं था, ये तो खुद ही नहीं गए प्रैक्टिस करने। एक टीम को होटल करीब है, चलो वो प्रैक्टिस तो करिए, आप दूर आप आगे प्रैक्टिस कर लो, ये तो होटल करीब होने के बावजूद प्रैक्टिस नहीं करते। आप नहीं समझते कि इंडिया को एक और एज आ सकता है कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान से पहले दो मैच खेल चुका है वो, और तीसरा एक वार्म अप भी खेल चुका है, ये एज नहीं होता। उमर भाई बात एज की बात करो, फिक्स की बात नहीं कर रहा, बात बिल्कुल मैं फिक्स की बात नहीं कर रहा, फिक्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एज हल्का फुल्का एज जो होता है टीम वो एक तरह से फेवर तो मिली हो। देखिए जो भी है सेमीफाइनल, अगर आपको पता हो ना कि आपका सेमीफाइनल इस शहर के अंदर होना है तो बड़ी ज्यादा रिलैक्सेशन आपको हो जाती होती है। ऑस्ट्रेलिया को नहीं पता था, इंग्लैंड को नहीं पता था, न्यूजीलैंड को नहीं पता, बाकी टीम अफ्रीका को इनको पता नहीं था, अफगानिस्तान को नहीं पता था इनका सेमीफाइनल कहाँ पे होना है, तो ये लोगों की बातें सही है। लेकिन ये आप कहना बटलर अपनी गलती से आ रहे हैं, मोइन अली होते रहे, मुझे एक बात का जवाब दे दें। देखें ये जो फजूल, मैं इन्हें फजूल की बकवास बातें भी नहीं बकवास कहूंगा, देखें हैरी ब्रूक सेट हो गया था, अपनी खत मार के सुने तो सही, हैरी ब्रूक सेट हो गया था आई थिंक 19 पे 21 22 या 21 22 पे 19 स्कोर, एक दफा उसने ना लोगों को परेशान कर दिया, कुलदीप यादव की कमाल की डिलीवरी पे गलत शॉट वो खेल के आउट हुआ, खेड़ा यहाँ पे वो आ गया जी विकेट का, या किसी बटलर अपनी गलती से आउट हुआ, अपनी गलती से आउट हुआ, यहाँ पे कौन सा आ गया जी किसी ने सपोर्ट किया या कोई, वो कमाल ये बहाने जो है ना ये 30-35 या 50 साल पहले जब तराशे जाते थे तो लोग इन पे ध्यान देते थे, अब मेरा ख्याल है ध्यान अब तो दो ही बहुत बदल गया, जो हारा वो हारा है, जो जीता वो जीता है, बाकी ऐसे एंड व्हाट मैटर्स द ट्रॉफी को एक विकेट के ऊपर आप खेल रहे हैं, एक ग्राउंड के ऊपर आप खेल रहे हैं, जो जीता है वो जीता है और वो अपनी कारकर्दगी की वजह से जीता है, अच्छी जो हारा है वो अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से हारा है, दैट्स इट, इसके अलावा सारी बकवास है, किसी बात पे मैं एक फीसद का भी तवज्जो और ध्यान मैं भी नहीं देता भाई जान, बिल्कुल जी हमारे भी नजर के अंदर ये फजूल इल्जाम है, ये जो रहता है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी हार को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और कुछ नहीं है, ये जो इंग्लिश मीडिया बातें कर रहे हैं होता पता क्या, देखें एक पॉइंट जहन में आ गया, होता ये है कि मैं अगर आपसे हार गया हूँ, मैंने अपने मोहल्ले में आना है, अपने मोहल्ले में जाना है, मैंने अपने घर भी मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना, मुंह काला करवाना है अपना, ये जो मुंह काला करवाने वाले लोग हैं ना इन्होंने मुंह काला करने के बचने के लिए ना ये बहाने ढूंढने होते हैं, ये मानते नहीं है कि यार हाँ वो अच्छा खेले, वो टीम अच्छी थी एबीसी कोई भी चले, मैं बात ही नहीं कर रहा जी इंडिया की, हारने वाली जिसको भी देखो ना वो कहेगा जी मतलब हमारे साथ ये कोई ना कोई ट्रिक मारेगा, वो ऐसा पॉइंट लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे लोगों को उसके अंदर जो है ना अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, ऐसा नहीं है, मैं ये समझता हूँ एक ग्राउंड है 11 इधर है दोनों उसके ऊपर खेल रहे हैं, जो जीता ना वो बेहतर था, बिल्कुल जी इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और शानदार क्रिकेट खेली है, और देखिए आपको एक चीज को मानना पड़ना है, ब्रॉडकास्टर का रोल होता है, सारा पैसा ही आपको इंडिया से मिल रहा है, अब इंडिया का मैच अगर सुबह 5 बजे रख दें तो फिर कौन से लोग देखेंगे, जब इतना करोड़ों रुपया उन्होंने लगाया हुआ है तो मतलब कि हमसे पूछे तो हम भी कहेंगे कि नहीं भाई 7 बजे वाला मैच सही है, 5 बजे वाले मैच में गुजारा नहीं है, ये बिल्कुल सही काम हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, करोड़ों रुपया उन्होंने खर्चा, कोई और जैसे कहते हैं इंग्लैंड की जो टीम थी वो खरीद लेती, मतलब इंग्लैंड वाले जैसे कहते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग के राइट खरीद लेते हैं, एशिया को देख के उस हिसाब से टाइमिंग सेट करनी है, तो ये भी सारी बकवास है आपकी, बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जान क्रिकेट लविंग नेशन अगर यहाँ पे है तो यहाँ के टाइम के हिसाब से हमें तो जैसे कहते हैं सहूलत है 7 बजे वाले मैच, हम तो बोल ही नहीं सकते, जो भी है जो होना था वो तो हो गया, अलबत्ता अगर बात करें प्रेडिक्शन पे वापस आए शमी पे कितनी परसेंटेज आपने लेकिन आपकी जो टीम है ना, मैं 90 इंडिया देता हूँ, 90 साउथ अफ्रीका यार, हाँ मेरे हिसाब से फाइनल है, फाइनल का प्रेशर जरूर होता है, तो मैं प्रिडिक्शन करूंगा भाई जान के इंडिया जीत रही है, और मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत मतलब 89 ना 89 नहीं
मेरे हिसाब से 60% इंडिया जीत रही है और बाकी 40% इंडिया को इस ट्रॉफी की डेस्परेटली नीड है, वो लोग काफी देर से इस ट्रॉफी को मिस कर रहे हैं तो कभी भी फाइनल में नहीं आई। मैं ये बात करूँ की प्रेशर काफी ज्यादा होता है यहाँ पे, आप 70% या 75% वाले प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको इसी तरह की प्रेडिक्शन रखनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से 60% प्रेडिक्शन इंडिया के हिसाब से बहुत फेयर है और मैं लगता है 60% इंडिया यहाँ पे इंशाल्लाह। शमीर बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि साउथ अफ्रीका कभी भी हिस्ट्री में फाइनल में नहीं पहुंची, इवन के फाइनल में पहुंची ही नहीं है, और हमेशा अच्छी क्रिकेट खेलते हुए सेमीफाइनल में आई है और सेमीफाइनल से चौक होकर गई है। और इंडिया क्योंकि सिर्फ फाइनल में आके चौक होती है, 2003 में भी चौक हुई मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया, हालांकि हमने नहीं देखा वो फाइनल क्योंकि हम काफी छोटे थे, तो 2003 में भी क्या कहते हैं इंडिया चौक हुई, ऐसे 2017 में भी हुई, 2014 में भी हुई और 2023 में भी हुई, फिर टेस्ट चैंपियनशिप में भी चौक हुई फाइनल में। तो मुझे लगता है कि भाई जान साउथ अफ्रीका 65% साउथ अफ्रीका मुझे लग रहा है कि जीतेगी कल का मैच, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री रही है, आप दोनों इंडिया लवर से कहूंगा, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री रही है कि फाइनल मैच इंडिया में इंडिया चौक कर जाती है और मुझे लगता है कल भी चौक। फरीद भाई कल ना मुझे आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट होगी, आपने ना कल इधर बैठना, मैं यहाँ पे बैठना नहीं, उसमें यार ओपिनियन जनरल ओपिनियन है, क्योंकि हिस्ट्री रही है कि भाई साउथ अफ्रीका कभी नहीं जीती और साउथ अफ्रीका की भी थी डेस्परेट तो ऑस्ट्रेलिया भाई ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट भर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट भर चुकी है, और हिस्ट्री ये भी है कि फाइनल में इंडिया कभी बड़े अरसे 10 साल से जीता ये भी है कि साउथ अफ्रीका कभी फाइनल में आया भी नहीं है, हिस्ट्री ये भी है इंडिया 10 साल से फाइनल जीता भी नहीं है, हिस्ट्री ये भी है कि इंडिया फाइनल तक पहुंचता तो है, साउथ अफ्रीका तो पहुंचती नहीं है फाइनल, हिस्ट्री ये भी है इंडिया फाइनल जीतता भी नहीं है। चलो देख ले, इस बार बदले लगे, देख ले बिल्कुल बदले वाली लीग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जनरल ओपिनियन है 65% साउथ अफ्रीका कल का मैच जीतने वाली है। रिजवान भाई देखिए जी अपना अपना है, लेकिन ये बड़ा टफ मैच होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है कि आप किसी के बारे में इस तरह बात कर दें जो फाइनल है, फाइनल से बड़ा क्या प्रेशर हो, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके देखें क्या हुआ कल सुबह अफगानिस्तान के साथ, मैं कहता हूँ आप अभी सोचे ना एक दफा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो प्रेशर नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था, मेरे हिसाब से तो वो ओवर कॉन्फिडेंस था प्रेशर से ज्यादा, वो बहुत ज्यादा ही हवाओं में हो गए नहीं, बहरहाल चले आप अपनी अपने राय का इजहार कर दिया, लेकिन वो प्रेशर ही होता है, प्रेशर ही होता है, बहुत प्रेशर था। तो आपके ख्याल में देखो साउथ अफ्रीका या इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ होगा, दोनों आपकी बात दोनों की सही, दोनों में बहुत प्रेशर होगा, और ये उनसे पूछे जाके कितना प्रेशर होगा ठीक है, लेकिन ये जो है ना जज्बाती चीजें चले अच्छा होता है, जीत जाए तो बड़ा बंदा कहता है, लेकिन वो जब उसे मैच ना करे बात टैली ना करे बंदा कहता है यार अच्छा ही क्या, मैं बताऊं इंटरेस्ट ना बढ़े, इंटरेस्ट ना बढ़े। मेरे ख्याल में देखें आप भी बड़े अभी बड़ी एक किस्म की बड़े अच्छे के हिस्ट्री ये भी है, हिस्ट्री ये भी है, हिस्ट्री ये भी है, तो मैंने हमेशा से ये देखा है कि हिस्ट्री बनती है हमेशा नहीं, हाँ जी ठीक है, तो जीत साउथ अफ्रीका भी सकती है ये बात नहीं है, लेकिन यह कि मेरी नजर में ये मैच क्लोज जाएगा, मेरा ये मानना है कि कोई भी कल जज्बाती क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेलेगा, वो बयान होंगे कि जी नॉर्मल खेले, बहुत ध्यान से खेलेंगे दोनों, और ये मैच क्लोज जाएगा, ये मैं नहीं समझता कि जी कल की तरह जैसे इंग्लैंड हारा है या परसों कल सुबह जैसे अफगानिस्तान हारा था, ये ऐसा नहीं होना, ये मैच जाना क्लोज है, लेकिन लेकिन नर्व जो है ना वो ज्यादा इस वक्त इंडिया के बहुत जबरदस्त किस्म के स्ट्रॉन्ग है, तो 55% मैं जनरली कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ उनको प्रेडिक्ट करना,
कर लो फिर क्या कह सकते हैं भाईजान कि मैं ना करूं फिर नहीं, नहीं हम तो हम तो भाई हम तो मैं और मेरे सारे दोस्त यही चाहेंगे कि हम ना करो जो एनालिसिस आपके कह रहे हैं जो आप समझते हो हिस्ट्री को उम्र में तो चाहेंगे उम्र में तो चाहेंगे नहीं मैं कह रहा हूं किसी को लो अगर आपके जहन में डाउट है कोई तो साउथ अफ्रीका तो आप देखो नहीं भाई ऑन पेपर आप एनालिसिस करें आप सबसे आप हमें हमारे से सबसे ज्यादा सीनियर आप ही हैं ऑन पेपर एनालिसिस करें कोई आप पे वो प्रेशर नहीं आप तो मैं तो कर रहा हूँ आपने प्रेशर मेरे पर डाल दिया आपको कोई प्रेशर नहीं मजाक कर रहा था आप मुझे जैसे कहते हैं मुझे लगता है जिस तरह से रोहित शर्मा सारे बदले रिवेंज पूरे कर रहे हैं जिस तरीके से सब कुछ लेके चल रहे हैं सब कुछ जो जो कर्मा वापिस हो रहा है जो कर्मा हिट करता होता है वापिस से बैग सारे हिसाब किताब वापिस हो रहे हैं मुझे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा बारबाडोस के अंदर ट्रॉफी उठा रहे हैं जब जब इंडिया को प्रिडिक्ट किया ना इंडिया उसको जीती है जब मैं इंडिया को नहीं प्रिडिक्ट करता तब मेरी प्रिडिक्शन गलत होती है लेकिन जब जब मैंने इंडिया को प्रिडिक्ट किया कोई मैच इंडिया हारी हो मुझे बता दो चले अच्छी बात है तो फैंस ही बता सकते हैं कि आपको फिर तो मुबारक हो और दूसरी बात यह कि एक वो दिन था जब ये आई थिंक 2003 को जब स्टार्ट हुआ है तो हम लोगों ने सबसे पहले इंडिया को प्रिडिक्ट किया चार में अलहमदुल्ला और दूसरी कोई भी टीम नहीं है मेरी तो कोई और मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रिडिक्शन दी थी निकाल दी थी नहीं थी मैंने प्रिडिक्शन दी थी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का फाइनल होगा वेस्ट इंडीज जीतेगा तो वेस्ट इंडीज तो रहा ही नहीं तो इंडिया जो मैंने चूज किया होता मैं इंडिया को मैंने अपडेट भी हम अभी लाइव पे भी यही बात करते हैं साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जिसका किसी ने सोचा भी था फाइनल तक पहुंचेगी सबका था वेस्ट इंडीज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये टीमें आएंगी किसी ने भी साउथ अफ्रीका का तो वो आउट ऑफ स्टेबल था साहब मैं अब जो पॉइंट पूरा करना चाह रहा वो मैं थोड़ा सा दे दूं पॉइंट के इसके बारे में तो मतलब दिल भी और दिमाग भी क्यों क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं आपने कल बुमराह की गेंद देखी है जिसपे उसने आउट किया आप कुलदीप की बॉल देखें जो अच्छा मैं लड़के मेन वही है छोटा छोटा सा हिस्सा जो है ना कुछ डाल रहे हैं कुछ नहीं डाल रोहित चला दो तीन मैचेस के अंदर उसके अलावा कुलदीप आपको पता है बड़ा नाम है मैंने तो हमेशा कुलदीप मैंने कल भी कुलदीप को प्रेडिक्ट किया था इससे पहले भी कुलदीप तीन विकेट लिए कल भी विकेट लिए उसने फिर आपका हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल ने आके जो है ना क्या तबाही उतारी है क्या जबरदस्त एक नया एक मैन ऑफ द मैच इनको देखिए इसको कहते हैं ना दिल से निकल रहा है कि रोहित शर्मा जीत जाएगा क्या बात क्योंकि वो जो मैंने उसको देखा ना कल इमोशनल हुआ था जिस तरह से वो रो रहा था जीतने के बाद वो जानता है कि अभी कहानी खत्म नहीं वो जानता है कि उसने क्या फेस किया हुआ है जब 10 मैचेस जीत के आप आखिरी मैच हारे और बिल्कुल जो भी है अब अगेन अगर एशियन नहीं जीते तो फिर जिसको कहते हैं ना ज्यादा ही होगी कि मतलब कि साउथ अफ्रीका जीत गई गोरे जीते जा रहे हैं ये वो तो जीत जाए क्या रोहित शर्मा की क्या कैफियत होगी सुने मेरा कोई छोटा सा अगले दिन इम्तिहान हो ना बड़ा मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम हो घर का कोई मैटर हो तो हम कहते हैं यार मेरी वजह से ना किसी का दिल ना दुखे अब जैसे आपने स्टैट बताया कि यार इतने सारे ये फाइनल में पहुंचे हैं सबसे ज्यादा 13 मरतबा और हारे भी सबसे ज्यादा पता क्या जितने भी लोग कोई गरीब कोई मिस्कीन कोई फकीर या कोई पता क्या कह रहे हैं यार दुआ करना यार मेरे लिए दुआ करना यार अच्छा यार ये इसको दे देना अपनी बीवी को घर में यार ये उसको कर देना दुआ करे हुए मैं जीत गया ना यार मैं ये करूँगा मैंने ये मन्नत मानी मैं ये हाल हो रहा होगा ये हाल हो आप बिलीव करें क्योंकि ये बड़ा सबसे ज्यादा प्रेशर रोहित शर्मा पे हुआ क्योंकि कैप्टन भी है खिलाड़ी भी है क्योंकि हारा हुआ है देखिए उसका इमोशनल बड़ा बनता था और वो ऐसा पॉइंट था कि अब यहाँ तक पहुंचे मैं आपको यहाँ पे एक मीम सुनाता हूँ मजेदार आपने सुबह ही दे रहा सोशल मीडिया पे एक तो ना रोहित शर्मा की तस्वीर थी वो जो उनकी ड्रेसिंग रूम से ऐसे आई है ना वहाँ लिखा था बॉयज आफ्टर विनिंग सेमीफाइनल मेकिंग इट टू फाइनल और दूसरी तरफ बाबर आजम की ना ओटी चलाते हुए पिक्चर थी कि बॉयज आफ्टर लूजिंग 7 कंसेक्यूटिव सीरीज तो ये मजाक बन रहे हैं बाबर आजम के थ्री कीज प्लेयर रिजवान भाई आपके दोनों टीमों में से आपने प्रेडिक्शन नहीं बताई बता परसेंटेज परसेंटेज 50, 58%
55 and 45 आपका 60 मतलब 58% इन सेंस के 70वें ओवर तक गेम जाएगी, 70वें ओवर तक जैसा कहता है इंडिया पानी ले जाएगा। रिजर्व में 3 की प्लेयर्स देखिए जी, इंशाल्लाह रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने जिस तरह की क्रिकेट अभी खेल के दिखा दी है ना पिछले कुछ मैचेस के अंदर, वो कमाल का, मैं कहता हूँ ब्रेन ही इस तरह की क्रिकेट खेल सकता है। इतने बड़े मैच में आपको डर होता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, और फिर भी आप खेलते हैं, फिर कामयाबी आपको कामयाब होके दिखाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई ना कोई ऊपर वाले की करिश्मा मदद दुआ रहती है, उसके बगैर नथिंग, कुछ भी नहीं है। रोहित शर्मा और आपका फेवरेट कुलदीप, पता क्या बात है, साउथ अफ्रीका को जो पकड़ना है ना वो कुलदीप ने पकड़ना है, स्पिनर वो पकड़ेगा वो। और असल मुकाबला जो होना ना, ये जो है खबा उनका क्या नाम है, नहीं बोलर जो है, अच्छा तबरेज़ शम्सी जो वो करके भागता है टिंग डिंगे की तरह, वो इनका जो है ना बड़ा कॉम्पिटिशन बना है। कुलदीप, रोहित शर्मा और आपका ना बुमराह जो है ना, बुमराह बिल्कुल बॉलिंग में। यार मेरे जो की प्लेयर्स होंगे ना इंडियन टीम की तरफ से जो कि परफॉर्मेंस कर सकते हैं और लगता भी है करेंगे, रोहित शर्मा, और मुझे लगता है कल विराट कोहली अपने जो पिछले सारे जो है ना जो भी उसने कारकर्दगी की है वो सारा मतलब भुलवा देगा फैंस को, विराट कोहली दूसरा, और मुझे लगता है तीसरा आई थिंक सो के कल दिन होगा जसप्रीत बुमराह का। ये तीन मेरे की प्लेयर्स होंगे। मैं हार्दिक पांड्या को इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि मैं काफी मैचेस में हार्दिक पांड्या को रख लिया हुआ था, और साउथ अफ्रीका की तरफ से चलो मेरे ख्याल से इंडियन टीम में से जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पे, नंबर 2 के ऊपर कुलदीप यादव, और नंबर 3 के ऊपर रोहित शर्मा पिक करूंगा, सॉरी कोहली को पिक करूंगा, रोहित को नहीं मैं पिक करूंगा। मुझे लगता है कि ना ये वाले बड़े मैच के अंदर कोहली जो होगा ना कोहली अपना कुलदीप और कोहली ये मेरे होंगे, और मैं जैसे कहता हूँ मेरा दिल कह रहा है जो आपने बात की है कोहली जो है ना बहुत बड़ी इनिंग्स खेलने वाला इस मैच के अंदर। शमीर उमर भाई शुरू से यही कह रहे हैं टेस्ट मैच नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप हो रहा है, उमर भाई को हर मैच के अंदर यही सुनना पड़ता है, रोहित ने 92 कर दिया, 50 कर दिया, नहीं ये चाह रहा है कि भाई 11 की 11 प्लेयर्स का नाम ले वलीद, मैं भी 11 की 11 प्लेयर्स का नाम लूं और रिजवान भी 11 की, ऐसा नहीं होता। लेकिन एनालिसिस में बात किया, एनालिसिस में बात भी करें तो 11 की 11 परफॉर्म भी कर देंगे, 10 कर रहे हैं, एक चलो एक को इतना बड़ा मैच तो नहीं होता सर, लेकिन आप बात ही नाम बताओ, जब हर मैच 50 कर देगा हर मैच नाम बताओ, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन उमर भाई ये आईपीएल हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, हो वर्ल्ड कप ही रहा और सब देख रहे हैं, मेरे तीन नाम भाईजान ये है। सबसे पहले तो भाई मैं विराट कोहली का नाम लूंगा, मेरे हिसाब से बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली कल फाइनल के अंदर चलेगा, और जो एक लंबा रहेगा ना कि भाई जान विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की, वो फाइनल के अंदर विराट कोहली इंशाल्लाह ताला सारी पूरी करेगा, विराट कोहली का मैं नाम लूंगा। दूसरा नाम भाईजान मैं लूंगा अक्षर पटेल का, मेरे हिसाब से अक्षर पटेल परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है सेमीफाइनल के अंदर भी की, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर अक्षर पटेल का काफी ज्यादा रोल रहेगा। तीसरा नाम मैं लूंगा भाईजान रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा की तो क्या ही बात करें भाईजान, 50 पे 50 92 और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस चल रही है रोहित शर्मा की तरफ से, तो रोहित शर्मा तो अनडाउटेडली फाइनल के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे। ओके, अफ्रीका से मेरा ख्याल है कि अगर अफ्रीका जीतेगा तो इसके अंदर इनके कैप्टन एडम मार्टिन का बहुत बड़ा रोल होगा, इनके बॉलर्स का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि ये अगर इंडिया के बल्लेबाजों को आउट करेंगे तभी जीतेंगे। तो मैं जाऊंगा रबादा एनरिक जिसको कहते हैं, नहीं 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 मार्को जनसन रबादा और इसके एडर मार्टिन के साथ, ये तीन जिसको कहते हैं प्लेयर चूज करूंगा। यार मेरे की प्लेयर्स होंगे, मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है तो क्विंटन डिकॉक फर्स्ट पे होगा, और हेनिक क्लासन बड़ा अच्छा रोल निभा सकता है अपना, सेकंड पे होगा हेनिक क्लासन, और तीसरे पे मैं कगिसो रबादा को रखना चाहूंगा। मैं रखूंगा भाईजान नंबर 1 के ऊपर मैं रखूंगा अपना एडम मार्करम को, मुझे लगता है एडम मार्करम करके मैच के अंदर थोड़ी सी इंडियन टीम को जो है ना वक्ता डाल सकता है। दूसरा मैं नाम लूंगा भाईजान एंड्रिक नोकिया का, क्योंकि एक नोकिया का हमने देखा कि अच्छा बॉलर है और अच्छी परफॉर्मेंस भी कर देता है, तो कल शायद वो हो सकता है कि एक
करके दिखा दे कुछ। बाकी तीसरा नाम मैं लूंगा भाई डेविड मिलर का। डेविड मिलर का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि बड़े मैचेस के अंदर वो शायद उसके अंदर का वो अग्रेसिव जिन बाहर निकल के आ जाए, तो हो सकता है डेविड मिलर भी कल के मैच के अंदर परफॉर्मेंस कर दे। रिजवान भाई जी मैं जाऊंगा तबरेज शमसी पे। ओके और इसके साथ है हेनरी क्लासन और एडम मार्करम। एडम मार्करम बॉलर को भी फास्ट बॉलर भी नहीं ये ज्यादा इंपैक्ट कर। चले लेट्स देखते हैं क्या होगा। अब आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है कितना वन साइडेड मुकाबला होगा या क्लोज होगा, जरूर कमेंट्स के अंदर बताएगा। फिर आके लिए जाते हैं इंशाल्लाह, फिर आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह।